बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर संडे स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 में नेक्स्ट टॉपिक पर। लास्ट टाइम हमने बात की थी एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस and this process occurs at puberty in the testes seminiferous tubules are responsible for the formation of the sperms। हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन्स अ जर्मिनल एपिथेलियम एंड दिस जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मीओसिस। हम देखते हैं इस जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो के माइटोटिकली रिपीटेडली प्रोड्यूस इज स्पर्मेटोगोनिया बाई माइटोसिस। हम देखते हैं माइटोसिस की लेयर से जर्मिनल एपिथेलियम नई लेयर्स के स्पर्मेटोगोनिया पैदा करती रहती है और इन स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल्स में हम देखते हैं मीओसिस के प्रोसेस के जरिए से मीओसिस जो के मीओसिस फर्स्ट और मीओसिस सेकंड की स्टेजेस पर कॉम्प्राइजेस है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स को जो के हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं। अगर हम देखें तो सपोज किया कि ये हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम ये एक ल्यूमन बनाए, सपोज किया कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल क्रॉस सेक्शन है, ये फर्स्ट लेयर, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हम देखते हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक खास तरह के सेल्स की लेयर है दैट इज रिपीटेडली रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के अमल से नई लेयर्स प्रोड्यूस करती रहती है जो के स्पर्मेटोगोनिया की लेयर कहलाती है और इन्हीं के दरमियान में हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स पर सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं दैट प्रोवाइड द लिक्विड मीडियम फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म जो के स्पर्म की नरिशमेंट के लिए एक लिक्विड मीडियम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली लेयर इसको हम नाम देते हैं इट इज द स्पर्मेटोगोनिया, यानी हम ये देखते हैं ये पहली लेयर के सेल्स हैं, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोगोनिया आर द सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनल लेयर। इट इज द जर्मिनल एपिथेलियम इनसाइड द टेस्टिस। इट इज जर्मिनल एपिथेलियम दैट इज रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। हम देखते हैं दिस स्पर्मेटोगोनिया रिप्रोड्यूसेस बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और इस तरह से हम देखते हैं ये पहला सेल डिवेलप करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें हम देखते हैं मीओसिस फर्स्ट की स्टेज पहले मीओसिस फर्स्ट मुकम्मल होती है
और इससे दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इन डॉटर सेल्स को हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड के मुकम्मल होने पर हम देखते हैं दे प्रोड्यूसेस द अनमैच्योर स्पर्म दैट आर कॉल्ड स्पर्मेटिक्स एट द, अब देखें मियोसिस सेकंड के नतीजे में ये एक सेल भी दो स्पर्मेटिक्स जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूस करता है और इसी ही तरह से ये वाला सेल भी दो स्पर्मेटिक्स प्रोड्यूस करेगा दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेकंड, दीज आर द अनमैच्योर स्पर्म, हम इनको स्पर्मेटिक्स का नाम देते हैं, दीज आर द स्पर्मेटिक्स एंड दीज आर अनमैच्योर, जैसे ही हम देखते हैं ये मैच्योर होते हैं तो ये स्पर्म की फॉर्म गेन कर लेते हैं और ये नोट किया जाता है कि स्पर्म जो है इसके थ्री पोर्शंस हैं, तीन पॉइंट हैं, एक जिसको हम कहते हैं इस स्पर्म का हेड होता है और एक हम इसी तरह से देखते हैं इसका नेक वाला पोर्शन है और एक इसकी टेल होती है, स्पर्म के हेड पे एक खास पोर्शन जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एक्रोसोम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंकरेज ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस आर द स्पर्म इनटू द एग सेल और इसकी बिल्कुल एंड पर इसको हम कहते हैं इट इज द हेड ऑफ द स्पर्म और बैक पे इसकी ये वाला पोर्शन ये नेक कहलाता है, इस नेक पे हम देखते हैं कि एक खास तरह से माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मौजूद होता है दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सराउंड्स द नेक रीजन ऑफ स्पर्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी आर एनर्जी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। अब जरा गौर करें कि ह्यूमंस के सेल्स में जहां से हमने देखा था स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोसिस के प्रोसेस से रिपीटेडली प्रोड्यूस होते रहते हैं, ये वाली लेयर इसको हम नाम देंगे इट इज द स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया वाली लेयर है, मियोसिस फर्स्ट मुकम्मल होने के बाद हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 ही रहते हैं, जब माइटोसिस से सेल डिवाइड होगा मियोसिस फर्स्ट के बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोम यहां पर 23 यहां पर 23 रहे, जिसको हमने कहा था इट इज द रिडक्शन डिवीजन, आधे होमोलोग इस साइड पर दूसरे पार्टनर होमोलोग इस साइड पर आ गए और ऐसी सूरत में जब मियोसिस सेकंड हुई सेंट्रोमियर टूटने के बाद 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर पहुंचे, 23 ही इधर पहुंचते हैं और इस तरह से हम देखते हैं 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो कि अनमैच्योर स्पर्मेटिड्स की फॉर्म में होते हैं और जैसे मैच्योर होते हैं हेड रीजन नेक रीजन और टेल डिवेलप हो जाने के बाद ये स्पर्मेटिड स्पर्म कहलाता है जिसको जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है।